बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम का नाम लेते ही हमारे दिमाग में वो सीन आ जाता है जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हर रोज जा रहे हैं और वहाँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके आ रहे हैं, जहाँ पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जैसे पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं। जी हाँ मित्रों, मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है, बागेश्वर धाम कब से है, बागेश्वर धाम का नाम बागेश्वर धाम क्यों पड़ा और वहाँ की इतिहास क्या रही है। मित्रों, बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि बागेश्वर धाम होगा कोई छोटा मोटा धाम, ऐसे तो तमाम धाम हैं दुनिया में तो एक धाम होगा, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि बागेश्वर धाम का इतिहास आज का नहीं, बहुत हजारों साल पुराना इतिहास रहा है बागेश्वर धाम का। जी हाँ, वहाँ के ग्राम गढ़ा के नज़दीक लोगों का अगर माने तो ये हजारों साल पुराना इतिहास है। वहाँ पे न केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बल्कि उनसे पहले उनके दादा गुरु जी महाराज, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा रहे हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर रह चुके हैं। इनका इतिहास बहुत साल पुराना है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे महावीर भी वहाँ पे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त किए हुए हैं। बागेश्वर धाम में दो मंदिर था, एक हनुमान जी महाराज का और दूसरा महादेव जी का। बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम को चंदेलों को वंश से मानते हैं। बागेश्वर धाम एक जंगल था और जंगल में भगवान महादेव का एक मंदिर था। मंदिर में लोग आते थे, कुछ न कुछ पूजा पाठ किया करते थे, उन्हें दिव्य चमत्कारिक रूप से लाभ मिलता था। जो भी वहां पे पहुंच जाता था उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। वहां पे एक वृक्ष भी था जिसका परिक्रमा करने से लोगों को अद्भुत फायदे होते थे। सन 1986 में बागेश्वर धाम का नाम थोड़ा सा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगा तो उस समय के मंत्री ने वहां पे उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1987 में वहाँ पे सेतुलाल गर्ग जी महाराज, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के बब्बा जी महाराज कहे जाते हैं, सन्यासी बाबा कहे जाते हैं, उनका नाम एक्चुअली है सेतु गर्ग जी महाराज, जिन्हें सन्यासी बाबा, बब्बा जी, भगवान दास, ब्रह्मदेव आदि नामों से लोग जानते हैं। सेतुलाल गर्ग जी महाराज वहाँ पे 1987 में आए और वहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। सन 1987 से लेकर के और सन 2010 तक वहाँ पे पूजा पाठ किया और अद्भुत ज्ञान वहाँ पे प्राप्त किया, शक्तियाँ प्राप्त किए। सेतुलाल गर्ग जी महाराज भी इस तरह के काम कर लिया करते थे कभी कभार, जो लोग आते थे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दिया करते थे, उनके बातों को बता दिया करते थे, जो भी उनकी इच्छाएं होती थी वो पूर्ण हो जाती थी। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्रसिद्धि और बढ़ गई थी। इधर आकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी उनके साथ में लग गए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज भी 2012 से अपना दरबार शुरू कर दिए। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को लोग बच्चा समझते थे और इतना भाव नहीं देते थे, लेकिन चूंकि बागेश्वर धाम का नाम जो है बढ़ चुका था, लोगों के दिमाग में चलने लगा था, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। वहाँ पे जैसा कि एक दिव्य पेड़ था और उसका परिक्रमा करने से लोगों को अद्भुत फायदे मिलते थे, तो इस तरह से वहाँ का नाम धीरे धीरे और प्रसिद्धि प्राप्त करने लगा। सन 2016 तक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया। सन 2016 में वहाँ पे भूमि पूजन किया गया और पूरी तरह से वहाँ पे एक दरबार लगाना शुरू कर दिया गया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा। उसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की ख्याति बढ़ने लगी और दूर दूर से लोग आने लग गए यहाँ पे। अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम का स्वरूप क्यों बदल गया। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि जंगल था और जंगल में बाघ रहा करते थे और बाघों के ईश्वर महादेव उस समय वहाँ पे जंगल में अकेले थे, इसलिए उनका नाम बाघेश्वर था। लेकिन उनका स्वरूप, उनका नाम भी बदल गया धीरे धीरे। पंडोकर धाम सरकार की माने तो उन्हें महादेव के स्वरूप में माना जाता था, इसलिए उन्हें बाघों के ईश्वर और बाघंबर लपेटते हैं महादेव, इसलिए उन्हें बाघेश्वर कहा जाता था। लेकिन इधर आकर के लोगों द्वारा अपभ्रंश कर दिया गया और वहाँ पे एक हनुमान जी की भी मूर्ति थी और इसी वजह से लोगों को भी हनुमान जी दिखाई देते थे, तो भगवान महादेव ने यूँ कहा कि वो खुद से अपना स्वरूप चेंज कर लिया और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया, लोगों द्वारा अपभ्रंश कर दिया गया, तो बागेश्वर धाम कहा जाने लगा, बागेश्वर बालाजी धाम। 2019 और 20 के बीच में जब काफ़ी ज़्यादा कोविड का प्रभाव था, उस समय धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कथाएं जो है ऑनलाइन चल रही थी, यूट्यूब वगैरह पे चल रही थी, तो धीरे धीरे लोग उनको देखना चालू कर दिया और वहां से उनकी प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे शास्त्री जी महाराज ने कई जगह पे ऐसे संभाषण दिए जैसे कि हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाना चालू कर दिया, जो बहनें उनके साथ में अत्याचार होता था उनके लिए आवाज़ उठाना चालू कर दी, उनको एक विश्व स्तर पर पहचान मिलना शुरू हो गई और आज धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की ओहदे पे हैं, कहाँ पे हैं वो आप सभी जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके यश का डंका बज रहा है, हर कोई जानता है बागेश्वर धाम सरकार को, आने भी क्यों ना, वहाँ पे इतने अच्छे कार्य होते हैं, वहाँ पे हजारों लाखों लोगों को, भूखे लोगों को भोजन मिलता है, वहाँ पे उनके जो तकलीफ होती है उनका निदान होता है, वहाँ पे प्रतिवर्ष जो है 151 कन्याओं का विवाह महोत्सव रखा जा रहा है, वहाँ पे इतने धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तो इस तरह से बागेश्वर धाम का पॉपुलर होना तो बनता ही है। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज सभी को अच्छे ही लगते हैं, उनके संभाषण सभी को अच्छे लगते हैं, उनके बोलचाल जो उन्होंने हमेशा बोला है हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तो ये चीज़ें लोगों को जो है प्रभावित करती हैं और बागेश्वर धाम की तरफ और ज़्यादा खींचती हैं। आशा करता हूँ वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।